दोस्तों ये है i8 Pro Max स्मार्ट वॉच एप्पल वॉच सीरीज 8 का क्लोन। काफी सस्ता क्लोन है, 1000 रुपए का अराउंड आपको ये मिल जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं भी ले सकते हो अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो। एंड इस तरीके कुछ बॉक्स में आता है। इस स्मार्ट वॉच के ऊपर ना मैंने आपको बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस दे रखी है, लाइक इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू दे रखा है, कैसे कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो, कैसे एप्पल लोगो लगा सकते हो, क्या गेम्स एंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका वाटरप्रूफ टेस्ट, रिसेंटली इसका फ्रीजिंग टेस्ट किया था जिसमें मैंने पीछे से हथौड़ी मारा ना तो आगे से इसका स्क्रीन क्रैक कर गया था। तो उस वीडियो पे मैंने बोला था ना कि जल्द ही मैं आपको इसका टियर डाउन वीडियो भी देने वाला हूं, पूरा अंदर खोल के दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स है जो इस स्मार्ट वॉच को इतना ज्यादा अमेजिंग बनाता है। बहुत ही बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच है, 1000 रुपए में आपको मिल जाता है लेकिन अमेजिंग फीचर्स के साथ आता है। लाइक इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिलता है, 5 मेन्यू स्टाइल है, 20 वॉच फेसेस है, इसके अंदर आपको टॉर्च फ्लैशलाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। तो बहुत सारे कूल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर। आज ना इस स्मार्ट वॉच का पूरा ऑपरेशन करने वाले इस स्मार्ट वॉच के अंदर हमें क्या क्या चीजें अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलो इस स्मार्ट वॉच का पूरा टियर डाउन करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, इसको रखेंगे साइड में। हमारा स्मार्ट वॉच कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो फुल, यहाँ पे इसका स्ट्रैप जो है ना काफी ज्यादा लूज हो गया है। इस स्मार्ट वॉच के ऊपर मैंने आपको 15 डेज रिव्यू 30 डेज रिव्यू भी दे रखा है, कैसा स्मार्ट वॉच है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स लगा है, सब चीज बता रखा है। सारे वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। तो ऐसा कुछ है हमारा स्मार्ट वॉच। सबसे पहले करते क्या है ना, इसके स्ट्रैप्स को निकाल के हटा लेते हैं। एंड मैं लेके आ चुका हूँ एक थर्मोकोल कटर जिससे इसे कट करके अंदर पूरे स्क्रीन को निकाल करके देखेंगे अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमारा जो स्मार्ट वॉच है फुल वर्किंग है। ये रहा, इसके सारे बटन्स वर्क कर रहे हैं। इसका क्राउन मैं रिमूव करूंगा तो देखो इसका वॉलपेपर यहां पे चेंज हो रहा है। यहां पे इसका टच वर्क नहीं कर रहा क्योंकि टच स्क्रीन जो है पूरा स्कैटर कर गया है, पूरा क्रैक कर गया है। तो चलो स्ट्रैप्स और डब्बे को कर दिया है मैंने साइड एंड आते हैं हमारे मेन डायल पे। ये रहा एक कटर है मेरे पास, इससे करते हैं क्या, इसके स्क्रीन को ना साइड साइड से यहां पे पील ऑफ करेंगे। तो करते हैं, बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा कहीं चोट ना लग जाए। मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये आप करना। ये रहा एंड इसका स्क्रीन जो है ना आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा। देखो अभी मैंने हल्का सा पील ऑफ किया एंड इसका जो टच पैनल है वो यहाँ पे निकल चुका है बाहर। अगर इसका टच ऊपर का मिल जाएगा ना टच पैनल तो ये बन सकता है, खैर मिलता नहीं है आसानी से ये सब चीज़ें। तो ये रहा एंड गाइस क्या बताऊँ, अंदर इसका वाइट कलर का लाइट जल रहा है स्क्रीन का, लेकिन इसका जो स्क्रीन है ना अभी भी वर्किंग है। देखो पूरे कांच के टुकड़े हो जाएंगे चारों तरफ। ये रहा, मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहन रखा है। सो ये रहा गाइस, देखो टच पैनल मैंने कर दिया है बिल्कुल अलग। हमारा डिस्प्ले यहां पे आप देख सकते हो अब डिस्प्ले हो चुका है खराब क्योंकि यहां पे कांच के टुकड़ों से या फिर नीचे वाला ये पत्ती कट गया, इससे इसका जो डिस्प्ले में जो भी इमेज बनता है वो यहाँ पे आपको RGB लाइंस देखने को मिल रहा है। इसे हटाएंगे तो अंदर आपको ये वाइट कलर का एक लाइट का जो पैनल देखने को मिलता है ये स्क्रीन का पैनल रहता है। ये रहा देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये रहा आप देख सकते हो कुछ इसका लाइट का अंदर पैनल से, देखो लाइट निकल रहा है डिस्प्ले से। इसके डिस्प्ले में कुछ इतने सारे पार्ट्स रहते हैं आप देख सकते हो अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्लास लेयर रहता है, फिर एक आपको ब्लैक पोलराइज्ड फिल्म मिलता है जिसमें इमेजेस बनता है। एंड बैक में कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर्स एंड LED लाइट्स एंड बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हो। एंड डिस्प्ले अभी भी वर्किंग है, फुल इस पर पावर आ रहा है। तो इसके डिस्प्ले को ना डिस्कनेक्ट करेंगे अंदर में, जैसे आप ओपन करोगे ना तो अंदर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलने वाली है। दो पत्ती से ये कनेक्ट रहता है, एक होता है इसके टच पैनल के लिए, इसे निकाल लेंगे खींच करके कुछ इस तरीके से। पीछे के लॉक्स को ओपन करेंगे एंड ये आसानी से पुल आउट हो जाएगा। देखो एक वायर कनेक्ट रहता है हमारे डिस्प्ले के साथ एंड एक वायर जो है वो इसके टच पैनल के साथ कनेक्ट रहता है जो हमारा टूट चुका था। तो चलो अब करते हैं क्या, इसके अंदर वाले पार्ट्स को निकालते हैं एंड देखते हैं कि स्मार्ट वॉच के अंदर हमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलता है। अभी मैं अगर आपको क्लोज दिखाऊं सर्किट को आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो क्लोजली। यहाँ पे आपको राइट साइड में जो नीचे देखने को मिल रहा है वाइट कलर का ये पावर बटन है जिससे ये ऑन एंड ऑफ होता था। उसके ऊपर में आपको ये क्राउन बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो कनेक्टर्स हैं जिनसे डिस्प्ले एंड टच पैनल कनेक्ट था। फिर आपको बहुत सारे IC देखने को मिल जाते हैं, एक आपको पीछे से कनेक्टेड कुछ है। इस पत्ती को निकालेंगे एंड देखेंगे कि बैक से ये किस चीज़ में कनेक्ट था, मुझे आइडिया नहीं है। ये रहा एंड चलो अब करते हैं क्या, इसके अंदर वाले पूरे मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं बाहर। ये रहा, ये लॉकिंग मैकेनिज्म पे सेट किया हुआ है तो आसानी से ये बाहर आ जाएगा।
देखो, एक यहां पे हल्का सा एक छोटा सा स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर खोलेंगे तो ये हमारा बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो इसका स्क्रू गाइस हमने अलग कर दिया है, अब ये रहा, देखो इसका स्क्रू जो है बाहर आ चुका है, अब ये पैनल पूरा निकल जाएगा बाहर। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है वायर्स के साथ पीछे, इसके साथ बैटरी कनेक्ट है एंड इसके साथ वाइब्रेशन मोटर कनेक्ट है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो चलो गाइज, इसके बैटरी को एंड इसके वाइब्रेशन मोटर को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। ये अच्छे से ग्लू किया हुआ है इसलिए निकल नहीं रहा है आसानी से, थोड़ा इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। ये रहा, तो इसका जो पूरा आप देख सकते हो गाइस, जो इसका जो पूरा मदरबोर्ड एंड जो अंदर सर्किटरी एंड जो कनेक्शन पॉइंट्स है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर एक बैटरी डाला हुआ है। अगर बैटरी के एमएच की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर साफ साफ लिखा हुआ है 90 mAh का पावर का ये बैटरी है, यानी कि 90 mAh का है, इसलिए आपको 3 से 4 दिन तक का नॉर्मल स्टैंड बाई टाइम बैकअप दे देता था। अगर आप हैवी यूज़ करते तो सुबह से लेकर के रात तक आसानी से ये चल जाता था। उसी पे एक स्ट्रिप चिपका हुआ है ये ब्लैक कलर वाला, ये कुछ और नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन कलर या रेड कलर का LED लाइट रहता है जो आपका फेक सेंसर्स की तरह पीछे ग्लो करता है। साथ में इसमें एक क्राउन बटन कनेक्ट था जो इसके साथ ही कनेक्ट रहता है, वो अलग हो चुका है। फिर इस पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बैटरी है डायरेक्टली, यहाँ पे इस पे सोल्डिंग किया हुआ है इस तरीके से, एंड ये रेड कलर का ऑरेंज कलर का आपको इसका मदरबोर्ड देखने को मिलेगा, एंड इस पे बहुत सारी चीज़ें वेल्ड किए हुए हैं जैसे बैटरी है, फिर साथ ही साथ आपको एक माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें सोल्डर किए हुए हैं जैसे कि इसके अंदर एक माइक्रोफोन भी जुड़ा हुआ है जिसके थ्रू आप इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाते थे, इसलिए इसमें आपको माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको वाइब्रेशन मोटर भी देखने को मिलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन या कॉल या मैसेज या जो भी होता था आपको इसमें वाइब्रेशन फीडबैक भी देखने को मिलता था। तो इस तरीके के कुछ इसका सर्किट है, ये आपने देख लिया। एंड इसके बैक पैनल पे बात करें ना, तो बैक पैनल आपको कुछ इस तरीके से इसका बॉडी देखने को मिलेगा, ये कुछ पीछे अगर आप खींचोगे तो इस तरीके से निकल जाता है। ये कोई ग्लास बैक नहीं रहता, ये एक सेरामिक बैक की तरह रहता है, प्लास्टिक कचकड़ी की तरह रहता है, एंड ये कुछ इस तरीके डिज़ाइन का है। पीछे 2 पिंस निकले हुए हैं जो इसके मदरबोर्ड पे इस तरीके से टच करते थे एंड इसे चार्ज करते थे बैटरी को। एंड इसी में हमारा एक स्पीकर जो है इसके अंदर डाला गया है, जो स्पीकर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट किया गया है यार। ये भी टच पॉइंट वाले स्पीकर है, इसके लिए वायर कनेक्शन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने पोजीशन में जहाँ पे इससे कांटेक्ट पॉइंट मिलता है उसके बाद ये स्पीकर वर्क करता है। स्पीकर के लाउडनेस की बात करें तो इसका मैंने आपको सैंपल सुना रखा था, आपको डिसेंट सा लाउड देखने को मिल जाता था। तो ये रहा गाइस इसका स्पीकर, अंदर से आप देखो स्पीकर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, काफ़ी छोटा सा स्पीकर है लेकिन स्मार्ट वॉच के हिसाब से काफ़ी बड़ा ही है। ये रहा, तो कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल ड्राई है, यानी कि इसे मैंने जब वाटरप्रूफ टेस्ट किया, फ्रीजिंग टेस्ट किया, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं घुसा है क्योंकि मुझे कोई भी पार्ट्स में ना वाटर का एरोजन या फिर कहीं भी वाटर लीकेज वाटर डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी सही से ये सील किया हुआ था। बात करें फ्रेम की तो फ्रेम बिल्कुल मेटल का बना हुआ है, अच्छा खासा मजबूत सा है, मेटल बिल्ड है। अब एल्युमिनियम होगा या फिर स्टील होगा पता नहीं, या फिर आयरन भी हो सकता है, अच्छा सा आपको एक मेटल बिल्ड मिल जाएगा बॉडी। साइड में आपको 2 बटन्स मिल जाएंगे क्राउन वाले, और इस इन्वर्टर्स को आप देख सकते हो क्लोजली यहाँ पे। तो कुछ ये था इसका फ्रेम। एंड डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग पेजेस की तरह रहता है, ये रहा एक पेज, ये रहा बीच का ये ट्रांसपेरेंट फाइबर का स्क्रीन जिस पे लाइट लगा हुआ रहता है। फिर आपको यहाँ पे और देखने को मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ, ये रहा एक वाइट पेपर की तरह है, एक आपको ट्रांसपेरेंट ये अलग सा कुछ मिल जाता है ग्लास की तरह, ये रहा शाइनिंग सा आपको पेपर मिलेगा, एंड दैट्स इट। इसके अंदर और क्या है, ये रहा लास्ट इसका स्क्रीन, एंड बाकी आपको यहाँ पे ब्लैक ग्लास देखने को मिलेगा। ये रहा कितने सारे लेयर्स में रहता है ये स्क्रीन, आप देख सकते हो ये लास्ट में ग्लास बचा है बिल्कुल। तो ये था गाइस i8 Pro Max स्मार्ट वॉच का फुल टियर डाउन, मैंने आपको खोल के दिखा दिया, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अगर आपको जानना था कि क्या क्या चीज़ें रहते हैं i8 Pro Max स्मार्ट वॉच के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस स्मार्ट वॉच को इतना ज़्यादा अमेजिंग बनाता है, तो सब चीज़ मैंने आपके सामने खोल के रख दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, एंड इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।